हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एक टेक्निकल हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसा मैं फंडा लेकर आया हूं जो आपकी बॉडी के लिए तथा आपके लिए हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसका सेवन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सेवन हर घर में होता है और बहुत लंबे समय से होता हुआ आ रहा है। तो आज हम ऐसी ही जड़ी बूटी जिसका नाम लहसुन है उसके बारे में हम बात करेंगे तथा उसके कुछ हमारे शरीर में होने वाले फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो लहसुन हजारों सालों से इस पृथ्वी पर है और उसका सेवन बहुत लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अधिक जानकारी ना हो पाने की वजह से उसका जो सेवन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसके कुछ फ़ायदे, वैसे तो इसके हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम कुछ फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो जिन लोगों के लिए गैस कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तथा पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम रहती है, ये उसके लिए बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। आजकल हमारे लिए फास्ट फूड तथा हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है तथा इतना खान पान हमारा बिजी हो गया है, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एसिडिक अल्कलाइन सब रेशियो भूल कर हम ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ तथा भुना हुआ खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए गैस कब्ज बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम सुबह खाली पेट अगर कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं तो हमारे लिए ये समस्या बहुत तेज़ी से दूर हमारी हो जाती है। जोड़ों के दर्द में रामबाण, जिस किसी के भी जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है तो उसके लिए लहसुन का सेवन बहुत ज़्यादा कारगर होता है। लहसुन को इस्तेमाल कैसे करें, लहसुन को पहले कूट कर और जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर पान के पत्ते में लपेट कर ऊपर से गर्म पट्टी बांध दें, जिससे कि लहसुन कुटा हुआ लहसुन कहीं जहाँ पर चोट है वहाँ से अलग ना हो। और हम अगर इसका सेवन करते हैं धीरे धीरे कम 10 से 15 दिन में हमारे लिए बहुत गजब का रेस्पॉन्स मिलता है। याददाश्त बढ़ाए, वैसे तो हमारा जो मस्तिष्क है, ह्यूमन जो मस्तिष्क है वो एक कंप्यूटर की तरह है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आज के समय में याददाश्त को लेकर हर आयु का वर्ग परेशान है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को भूलना तथा छोटे छोटे कामों के लिए भूल जाना ये याददाश्त के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ये समस्या होती है। तो ऐसे में लहसुन का रस हम 5 ग्राम तथा 5 ग्राम गाय के दूध को मिलाकर लेने से 10 से 15 दिन में हमारे लिए बहुत गजब का रिलीफ मिलता है। कील मुहासों को जड़ से ख़त्म करें, अक्सर जब जवानी शुरू होती है तो कील मुहासों से शुरू होती है और ऐसी होती है कुछ लोग आज के समय में कुछ युवा कॉस्मेटिक्स क्रीम तथा बहुत सारी केमिकलाइज ऐसी जो एंटीसेप्टिक तथा एंटीबैक्टीरियल होती हैं क्रीम उनके लिए यूज़ करते हैं तथा उनका जो सेवन होता है वो कुछ समय के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से वो समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। अगर हम लहसुन का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो कील मुहासों की जो समस्या होती है वो 10 से 15 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगला जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए मजबूत करता है। अगर हम सुबह खाली पेट अगर लहसुन का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो हमारे लिए बीमारियों से बचाने में काम करती है। सर्दी जुकाम से लेकर छोटे मोटे बुखार के लिए तथा फीवर के लिए बहुत तेज़ी से दूर कर देती है। किसी बहुत अच्छे हेल्थ एडवाइजर तथा एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने कहा है, इम्यून सिस्टम इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। यानी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है तथा इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत है वो हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों से बचा रह सकता है। तो सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। पेट के कीड़ों को ये मारे, इसका सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट एक और है वो है पेट के जो कीड़े। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता तथा खाना पच नहीं पाता है और जो खाना हम खाते हैं वो खाना सड़ जाता है, तो जब खाना सड़ जाता है तो खाना सड़ा हुआ उस खाने से गैस है कब्ज़ बननी शुरू हो जाती है तथा वहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया भी बनने शुरू हो जाते हैं। वही छोटे छोटे बैक्टीरिया आगे चलकर कीड़ों का रूप ले लेते हैं तथा वही कीड़े आगे चल के हमारे लिए पेट में दिक्कत पैदा करते हैं, तो पेट में बनने वाले जो बैक्टीरिया तथा कीड़े उनके लिए मार देता है। तो दोस्तों, आज ये रहे लहसुन से होने वाले कुछ बेनिफिट तथा फ़ायदे जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छे तथा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस बेल आइकन के लिए भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई हर वीडियो आपके लिए मिलती रहे और आपके लिए अच्छे से जानकारी प्रोवाइड होती रहे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।